अवैस भाई, आखिर जमा की हदीस पाक में जब बड़ी जंगों के मुतल्लिक जो हदीस पाक हमें मिलती हैं, उसमें कुछ ऐसी हदीस पाक भी हैं जिनका एग्जैक्ट अल्फाज तो मुझे याद नहीं, अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए, तो उसका हदीस पाक का मफहूम यह है, सही हदीस पाक है तो उसका मफहूम यह है कि जब मुसलमानों का मुकाबला होगा यानी दुश्मनों के साथ, तो जब वो छुपेंगे दरख्तों के पीछे, जब मुसलमानों ने बड़ी तादाद में उन्हें कत्ल करेंगे तो वो भागेंगे और छुपेंगे दरख्तों के पीछे और मुख्तलिफ़ चीज़ों के पीछे, तो वो चीज़ें बोल कर बताएंगी कि ये ए मुसलमान, ये मेरे पीछे छुपा हुआ है, तो सिर्फ़ एक दरख्त के सिवाय बाकी सारे यानी कि जो होंगे वो बोल कर बताएंगे और मुसलमान कत्ल करेंगे। तो ऐसे कैसे मुमकिन है कि एक दरख्त बोले या एक पत्थर बोले और बोल कर बताए कि जी आखिर उस ज़मान की जो रवायात हैं उसमें हमें ये पता चलता है कि एक जंग ऐसी भी होगी कि जिसमें दुश्मन के साथ जब मुकाबला किया जाएगा और जब दुश्मन मुसलमानों के ऊपर यानी कि हमलावर होगा, तो मुकाबले में फिर मुसलमान भी अपने दिफा के लिए जंग करेंगे और इवेंचुअली मामला ये होगा कि फिर वो छुपते फिरेंगे, हत्ता के दरख्तों और पत्थरों के पीछे छुपेंगे, तो वो भी गवाही देंगे कि मेरे पीछे ये छुपा हुआ है, मुसलमान आके इसे कत्ल करो। अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए। ये जनरल मफहूम है हदीस का। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे मुमकिन है कि दरख्त और पत्थर भी गवाही दें और बोलें? क़यामत के मंजर में तो समझ आता है कि वो तो दुनिया ही कोई और होगी, वो इस मटेरियल दुनिया के रूल्स उसके ऊपर लागू नहीं होंगे, लेकिन इस दुनिया में ये कैसे मुमकिन है? तो अगर आज से कुछ अरसा पहले किसी को कहा जाता 20, 25, 30 साल पहले कि तुम यहाँ पर बैठे हुए दुनिया के दूसरे किनारे पर एक लम्हे में बात कर सकोगे और ऐसे आमने सामने बात करोगे कि जैसे तुम्हारे सामने है वो बंदा, दूसरा दुनिया के दूसरे कोने में हजारों लाखों मील दूर बैठे हुए बंदे से, हजारों नहीं लाखों मील दूर बैठे हुए बंदे से तुम ऐसे बात करोगे, वो होगा दूरी कि जैसे वो तुम्हारे बिल्कुल सामने है। आज से 20-25 साल पहले ये बात की जाती, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, सिर्फ 20-25 साल पहले, तो वो क्या सोचता इंसान? तो वो यही कहता कि ये तो बिल्कुल होनकों वाली बात है, अनहोनी बात है, ये तो हो ही नहीं सकता, समझ में आने वाली बात नहीं है। आज हम देखें, मैं और आप व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं, बिल्कुल दुनिया के जिस मर्जी कोने में बंदा बैठा हो बिल्कुल ऐसे सामने होता है कि जैसे वो दूर है ही नहीं। इसी तरह से हदीस शरीफ में आता है कि क़यामत की निशानियों में से ये भी है कि आदमी की रान उसको बताएगी कि उसके पीछे उसके घर वाले क्या कर रहे हैं। ओकमा कॉल। तो ये बात जनरली अगर आप इसके ऊपर वो करें तो आपको ये समझ आएगी कि रान कैसे बोल के बताएगी, लेकिन आज मैं और आप हम सब लोग यूँ पॉकेट से निकालते हैं स्मार्टफोन और देखते हैं घर वाले क्या कर रहे हैं, सिर्फ बताती नहीं है बल्कि देखते भी हैं। तो हमें रान से ही निकालते हैं ना, पैंट की पॉकेट से जब निकालते हैं या साइड पॉकेट से जब कमीज़ की निकालते हैं, तो वो अपनी रान से निकाल के हम सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ले रहे होते हैं कि पीछे घर वाले क्या कर रहे हैं, हम सब करते हैं। तो इसी तरह रवायात में आता है कि जंगली जानवर इंसानों से कलाम करेंगे, तो आज आप देख लें कि वो जो जो ट्रैकिंग जो वो हैं लेसेस हैं, ट्रैकिंग डिवाइसेस हैं, फिट की जा रही हैं आपके सामने, आप अगर सर्च करें तो आपको मिल जाएगा कि वो चील के ऊपर फिट की गई, कोई जंगली जानवरों के ऊपर फिट की गई, और उनसे सारा डाटा जो है ना वो रिसीव हुआ कि वो कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, क्या खाया, किधर गया, हर चीज़ है वो कम्युनिकेट किया करते हैं वो डिवाइसेस के थ्रू, जंगली जानवरों से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आज। तो इसी तरह से उस कॉन्टेक्स्ट में ये कोई बड़ी बात नहीं है कि जो मुसलमानों के पास टेक्नोलॉजी होगी, जैसे कि हमें पता भी चलता है कि मुसलमानों के पास इस तरह 3,000 के लगभग काले रंग